हमारे राजस्थानी चिकन करी, ठीक है। सबसे पहले अपन ऑयल डाल रहे हैं इसमें। अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और टेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा देसी घी भी अपन ऐड करेंगे ताकि इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। खड़े मसाले डालेंगे इसमें, क्या क्या है? जैसे कि इसमें तेज पत्ता है और जावित्री है और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कुछ काली मिर्च है इसमें। और इसी के साथ अपन थोड़े प्याज डाल देंगे, चॉप्ड अनियन। हाँ, चॉप्ड अनियन डाल देंगे अपन इसमें, है ना। अब अपन इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाएंगे। तो अब अपन इसमें थोड़ी सी चॉप करी हुई अदरक और साबुत लहसुन डालेंगे ताकि थोड़ा सा और फ्लेवर आए इसके अंदर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो प्याज है अपने वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें चिकन डाल देंगे। ये अपन इसमें अब चिकन डाल, ये चिकन है दुलावा बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो अब अपन ये चिकन आ गया पूरा, ये पूरा चिकन है। अब प्रॉपर चिकन की बुनाई करेंगे, आप देखिए बुनाई करेंगे। और इसी में अब क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच नमक और डालेंगे, फिर इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर चलने देंगे। इसी टाइम सॉल्ट आ रहा है। हाँ, देख रहे किसने तेल आ गया पूरा ऊपर। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ये पिसाए हुए जो मसाले हैं, लाल मिर्च, धनिया और हल्दी, ये अपन डाल देंगे। अब इसको मसालों के साथ पकाएंगे। हाँ बिल्कुल, और इसको तब तक पकाना जब तक ये मसाले वापस तेल में छोड़ दो पूरा, ना। अब आप जैसे देख लो इसमें इसने तेल छोड़ दिया, बिल्कुल मसाले पक चुके हैं अपने, ये देखो। तो अब अपन इसमें दही ऐड कर देंगे, अपन इसमें दही ऐड कर, दही ऐड कर देंगे और अब दही को पकाएंगे अपन। मतलब हर चीज का एक पार्ट है वो। हाँ, हर चीज धीरे धीरे पकेगा, धीरे धीरे पकेगी बिल्कुल। और उससे फिर क्या ना, जब आप धीरे धीरे बनाओगे ना तो उससे ही पूरा प्रॉपर टेस्ट आएगा। अब आप जैसे देख लीजिए इसमें दही पक चुका है, तो अब अपन जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये मेन चीज है जो राजस्थान में स्पेशल डाली जाती है। तो लास्ट में जो इसका जो फ्लेवर है ना मेन, वो इसी चीज पर डिपेंड है। और लास्ट इसके साथ भी इसको थोड़ा पकाएंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे, तो जैसे लास्ट में वापस तेल छोड़ देंगे पूरा, तो ये प्रॉपर पक जाएगा। अब आप जैसा देख सकते हैं पकना चालू हो चुका है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। तो अब आप देखो इसमें धीरे धीरे रोगन आना स्टार्ट हो चुका है। जी जी जी, तो ये मतलब अब धीरे धीरे पक रहा है पूरा। तो अब आप जैसे देखिए इसकी रोगन आ चुकी है और ये अपना राजस्थानी चिकन करी तैयार हो चुका है बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे, इसमें चॉप धनिया डालेंगे, इसमें चॉप किया हुआ गार्निशिंग के लिए गार्निशिंग के लिए भी, और इससे भी थोड़ा मतलब फ्लेवर आता है। अभी जैसे आप ये डालने के बाद इसमें ढक्कन लगा दोगे ना, तो इसकी भी एक अलग ही खुशबू हो जाएगी इसमें। तो गाइस जी देखिए अपना चिकन करी जो है बनके तैयार हो गया। अब आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है अपना राजस्थानी स्टाइल चिकन करी। ये देखिए पीस, देखिए हम लोग जो पीस है सीधा जो है रोटी के ऊपर रखेंगे, और ये ग्रेवी चेक करिए आप, ये ग्रेवी देखिए, ये ओरिजिनल जो है राजस्थान में जो बनाया जाता है और प्रॉपर जो है रोटी के ऊपर जो है डाल के इसको खाया जाता है। ये देखिए आप। तो भाई अब अपनी बाइट बनाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा बना। ये देखिए अपनी बाइट आ चुकी है, अब टेस्ट करके बताते हैं। प्रॉपर जो एक राजस्थानी घर पर बनाया जाता है ना, वैसा टेस्ट आपको मिलने वाला है। मतलब मुंह में जाने के बाद आपके फ्लेवर जो है ब्लास्ट हो जाएंगे, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है। एक बाइट और लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले चिकन लेंगे, ये देखिए, और इसको जो रोटी ने जो इसका सोक करा है ना फ्लेवर्स,
वो फ्लेवर्स भी जो है रोटी में आ चुके हैं।